राधे राधे हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। लहसुन और प्याज छोड़ना मतलब हर एक दिन व्रत का फल पाने जैसा है। लहसुन प्याज छोड़ने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि परिवार को बीमारियों से बचा करके रखना, संकटों से बचा करके रखना, परिवार की आयु में वृद्धि करना, यानी पुत्र और पति की आयु में वृद्धि होती है लहसुन और प्याज का सेवन ना करने से। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। साथ ही साथ जो है परिवार को शांति प्रदान करना, यानी कि उनका चित्त शांत रहे, क्योंकि आजकल का जमाना ऑफिस से आए इतना ज़्यादा डिप्रेशन अशांति रहती है, तो वो घर में झगड़े होते रहते हैं। तो परिवार को अनुकूलता प्रदान करना, पूरा परिवार शांत माहौल में रहे, सकारात्मक सोचे, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लहसुन प्याज का त्याग करके कर सकते हैं। आइए जानते हैं लहसुन प्याज त्याग करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए कैसे जो है लहसुन प्याज का त्याग करने से जो है स्वास्थ्य लाभ मिलता है, मैं आपको सबसे पहले इसी विषय के बारे में जानकारी देती हूँ। देखिए लहसुन प्याज का त्याग जब आप करते हैं ना, तब आप भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उस बिना लहसुन प्याज से बने भोजन को भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो पहला धार्मिक लाभ है कि कहा जाता है, आपने सुना होगा कि चरणामृत पीने से जो है संकट टलते हैं। घर से चरणामृत पी करके जाओ तो संकट दूर होंगे, आयु में वृद्धि होगी, ठीक है। तो जब रोज प्रसाद खिलाकर आप पति और पुत्र को भेजेंगे तो उनके संकटों को दूर तो होना ही है, साथ ही साथ आयु भी लंबी होगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि जब हम बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम सोचते हैं कि घर से बनी ही चीज़ें, क्योंकि घर में ही हम मसाले तैयार करने लगते हैं, घर से बनी ही चीज़ें जो है, घर में बनी चीज़ें जो है भगवान को भोग लगाने लगते हैं। तो क्या होता है कि हम बाहर की चीज़ें अवॉइड करने लगते हैं, जैसे कि पास्ता, मैगी, चाउमीन, ये सारी चीज़ें, तो घर में बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब हम घर में बनाने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये हम अपने पकवानों की तरफ वापस लौटने लगते हैं, अपने बर्तनों की तरफ, तांबा, पीतल, लोहा में बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान को अच्छी अच्छी चीज़ें देनी है तो अच्छे अच्छे पदार्थों में बनाना है, अच्छे बर्तनों में बनाना है, अच्छे बर्तनों में देना है। उनका महत्व कहीं ना कहीं हम सर्च करते हैं, देखते हैं कि पीतल इत्यादि में खाने से क्या होता है, इसमें खाने से क्या होता है ना। तो भगवान को जब अच्छी चीज़ें देने की कोशिश, तो पूरा परिवार के लिए हम अच्छा ही चीज़ बनाते हैं। तो देखिए जैसे ये मैदा वगैरह खाने से, पास्ता, ये सारी चीज़ें, इसी से तो बाद में जो है जाके डायबिटीज़ होने लगती है, किसी को गैस बनने लगती है, किसी को जो है ब्लड प्रेशर इत्यादि की समस्या, ये सारी मतलब बाहर के भोजन खाने से ही तो होती है। तो जब हम अपनी जड़ों के की तरफ वापस आने लगते हैं, और अगर पिज्जा बर्गर भी खाना है तो उसके लिए भी जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उनको भी हम घर में बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस्कॉन जैसे कि संस्था है, देखिए मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ी हूँ, ना ही इस्कॉन के गुरु मेरे गुरु हैं, ठीक है, मैं अन्य को गुरु मानती हूँ, लेकिन हाँ इस्कॉन की संस्था का मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ, क्योंकि आज के युग में उन्होंने जो है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें लोग खाना चाहते हैं, पिज्जा बर्गर, तो ये सारी चीज़ें ना इस्कॉन के बाहर जो है दुकान जो होती हैं तो वहाँ बिना लहसुन प्याज का बनाया जाता है, सारी चीज़ें बनाई जाती हैं फिर जो है आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो YouTube में भी या फिर इंटरनेट पे भी जो है इनकी रेसिपीज़ उनके भक्तों द्वारा जो है शेयर भी की जाती हैं, ठीक है, थीके? तो उनके भक्तों का भी बहुत महत्व है, क्योंकि वो भक्त जो है कहीं ना कहीं रेसिपी भी बनाते हैं तो हम लोगों को भी सिखाते हैं। आप देखिए कि विदेशी लोग जिनके यहाँ मांस खाना, शराब खाना मतलब आम बात है, रोज़ शराब पानी जैसे पीते हैं, लेकिन यहाँ आकर मतलब लहसुन प्याज छोड़ रहे हैं, अपनी हमारे भारतीय धर्म को महत्व दे रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी ना। तो मैं इस्कॉन संस्था का इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ, क्योंकि आज के ज़माने का, आज की लाइफ स्टाइल के साथ जो है वो लोग मैच करके जो है भक्ति करते हैं, भक्ति बताते हैं कि जल्दी लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं पिज्जा बर्गर, तो वो भी कैसे बनाना है घर में खाना। तो जब हम घर में ही चीज़ें बनाते हैं तो अच्छी तरीके से बनाते हैं तो अपने पति और पुत्र को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, उनको हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये खाना भगवान को भोग लगेगा, भगवान को भोग कैसी भी चीज़ों का तो लगाएंगे नहीं, अच्छी चीज़ों का लगाएंगे। तो जब भगवान अच्छी चीज़ों को भोग लगाएंगे तो घर के बच्चे भी जो है अच्छी चीज़ों को ही खाएंगे, जिससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है, और प्रसाद खाएंगे तो इससे आयु लंबी होती है, भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। अच्छा, पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव एनर्जी का आप मतलब समझते हैं, क्योंकि जब हम भगवान को प्रसाद लगाते हैं, भोजन मतलब भोग लगाते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी जो है भोजन में आती है, तो ये पॉजिटिव एनर्जी जो है माइंड में शांति रखती है। इतने लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, टेंशन रहता है, काम वासना में जो है बहुत ज़्यादा लोगों को चिंता रहती है,
मतलब महिलाओं को कि कहीं पति भटक ना जाएं, दूसरी स्त्रियों के मतलब फेरे में ना आ जाएं। तो लहसुन प्याज जो है वो उत्तेजना कम करते हैं, काम वासना यानी कि स्त्रियों के प्रति आकर्षण कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उत्तेजक पदार्थ माने जाते हैं। लहसुन प्याज जो है वो राक्षसी स्वभाव को बढ़ाने वाले माने जाते हैं। राक्षसों में जो स्वभाव होता है ना, जैसे कि किसी को भी मारते काटते थे, उनको ज़रा सा भी दया नहीं लगती थी, महिलाओं के बाल खींच के ले जाना, मतलब काम वासना, ज़बरदस्ती करना, ये राक्षसों का ही स्वभाव हुआ करता था, जैसे कि कथाओं और मतलब ग्रंथों के अनुसार। तो राक्षसी स्वभाव बढ़ाने वाले होते हैं लहसुन और प्याज। देखिए, कई लोगों को मैंने कहते सुना है कि धरती में ही तो लहसुन प्याज उगते हैं, तो अशुद्ध कैसे हो गए जब वो धरती में ही उत्पन्न होते हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि धरती में ही तो गांजा भी उत्पन्न होता है, वहीं पे गांजा की पत्तियाँ, वहीं पे गेहूं भी उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, वहीं पे भांग या फिर धतूरा भी उसी ज़मीन में उत्पन्न होता है। तो क्या हम सारी चीज़ें खा लेते हैं? नहीं, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है, सबका अपना अपना फल होता है, सबकी अपनी अपनी तासीर होती है। कोई चीज़ ठंडी होती है, कोई गर्म होती है। ठंडी के सीज़न में जैसे कि गुड़ की तासीर होती है कि वो गर्म होता है, दही की तासीर होती है कि वो गर्म होता है। देखने में भले ही दही जो है ठंडा हो, लेकिन उसकी तासीर जो है गर्म है। तो अपनी अपनी चीज़ों की मतलब अपनी अपनी प्रकृति होती है, कोई ठंडी होती है, कोई गर्म होती है। ज़्यादा ठंडी चीज़ खा लेंगे सर्दी हो जाएगी। तो उसी तरह से लहसुन प्याज की प्रकृति होती है कि ये उत्तेजक पदार्थ होते हैं। विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि उत्तेजक पदार्थ हैं। जैसे कि पायलट लोग जो होते हैं, मतलब हवाई जहाज चलाने वाले, उन लोगों को कुछ घंटे पहले लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन नहीं देते, जिसमें लहसुन प्याज हो, ऐसा भोजन नहीं देते, क्योंकि वो रिएक्शन करके कुछ मतलब ऐसा होता है वैज्ञानिक तौर पर, तो उनको लहसुन प्याज नहीं दिया जाता। विज्ञान भी ये मानता है कि मतलब कुछ मतलब तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इनकी प्रकृति ऐसी होती है कि उत्तेजक पदार्थ होते हैं, यानी कि उत्तेजना बढ़ाने वाले। उत्तेजना मतलब कि ज़्यादा क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन हो सकता है, काम वासना यानी कि स्त्रियों के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा रहता है। तो सामान्य भोजन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है काम वासना पर बहुत हद तक आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं लहसुन प्याज का, अगर आप त्याग करते हैं। और देखिए, लहसुन प्याज को उत्तेजक तत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि इनकी जो है उत्पत्ति राक्षसों के खून और हड्डी से बताई गई है ग्रंथों में। तो जो ये राहु और केतु हैं, तो इनके खून और हड्डी से बताई गई है कि भगवान विष्णु ने जब सर काटा था तो इनका खून और जो है हड्डी पृथ्वी पर आए थे, तो इनसे इसीलिए जो है इसमें अमृत भी मिला हुआ है। राहु और केतु ने जो है अमृत भी पी लिया था, तो इसीलिए लहसुन और प्याज में अमृत तत्व भी है, यानी कि औषधीय गुण भी होते हैं। कि प्याज जो है गर्मी में फ़ायदा करती है, पेट वगैरह दर्द किया तो ठंडक प्रदान करती है, और लहसुन जो है गर्म होती है, ठंडी में फ़ायदा करती है। तो अमृत होने के कारण ये थोड़े से फ़ायदे देते हैं, लेकिन चूँकि है तो राक्षसों से ही उत्पन्न, इसलिए राक्षसी प्रवृत्ति यानी कि उत्तेजक पदार्थ होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ाने वाले होते हैं। तो इस तरह से लहसुन और प्याज के बारे में ग्रंथों में कहा गया है। एक और चीज़ भोजन के बारे में ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि अगर हम बिना भगवान को भोग लगाए भोजन ग्रहण करते हैं तो वो हम पाप खा रहे होते हैं। इतना तक कहा गया है कि भगवान को भोग लगा करके ही खाना चाहिए, और भोग ऐसा नहीं लगाया जा सकता जिसमें लहसुन प्याज हो। तो फिर हम भोग लगा करके खाएं, रोज पाप ना खाएं, तो हमारा व्रत जैसा ही हो जाता है, ठीक है। व्रत ऐसे ही तो लोग करते हैं, मतलब भगवान को भोग लगा करके फिर पारण करते हैं, है ना। तो कुछ चीज़ों का त्याग एक मतलब व्रत मतलब होता है संकल्प, ठीक है। तो अगर हम लहसुन प्याज का त्याग कर रहे हैं तो एक हमने संकल्प लिया, एक हमने व्रत लिया हुआ है कि हम नहीं खाएंगे, तो रोज़ हमारा व्रत के जैसा ही फल है। हम भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि जो है निर्मल होगी, तो हम भगवान की भक्ति में आगे आएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे। तो इतने सारे लाभ होते हैं जो है लहसुन प्याज का त्याग करने के, कि बुद्धि जो है निर्मल होने लगती। कई लोगों को अक्सर मुझे कमेंट आता रहता है कि हमें बहुत ज़्यादा अश्लील विचार आते हैं, तो अश्लील विचार के लिए कई और चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी। लेकिन एक और चीज़ है कि आप लहसुन प्याज का अगर त्याग करें तो कहीं ना कहीं जो है, जैसे कि आप हार्मोन से समझते हैं ना, तो उसी तरह बैलेंस होने लगता है शरीर। इस तरह समझिए कि तत्वों से, मतलब पोषक तत्वों से, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जैसी तासीर की चीज़ें आप खाएंगे उसी तरह से जो है आपका फल होगा, वैसे मन होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अश्लील विचार ना आए, मतलब बहुत ज़्यादा कामासक्त आप ना हो, तो लहसुन प्याज का आप छोड़ सकते हैं। इससे जो है बहुत ज़्यादा चित्त शांत होगा, क्रोध कम आएगा, चिड़चिड़ापन कम रहेगा। महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि कहते हैं कि हमारे पति बहुत ज़्यादा तेज हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या फिर मतलब स्त्रियों के प्रति आसक्त हैं, कहीं ना कहीं आप ये एक उपाय कर सकती हैं अगर संभव हो तो। घर में मैंने एक वीडियो बनाया है आसानी से कैसे छोड़ा जा सकता है बिना झगड़ा करवाए घर में, उस वीडियो को देख लीजिएगा। कि झगड़ा भी नहीं होगा, आप लहसुन प्याज छोड़ भी सकते हैं।
तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो महिलाएं ये उपाय कर सकती हैं, तो धीरे धीरे जो है आपका परिवार सुधार में आ सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा नाम जप करना। अगर आप लहसुन प्याज नहीं भी छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि कई लोग जो है हॉस्टल में रहते हैं, कंपनी में रहते हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप नाम जप करें। नाम जप में ऐसी सामर्थ्य होती है कि आपको ऐसी परिस्थितियाँ भगवान देने लगते हैं कि आपके लिए लहसुन प्याज छोड़ना संभव हो जाता है, ठीक है। और अगर ना भी छोड़ पाएँ तो नाम जब बहुत ज़्यादा सामर्थ्यशाली होता है आपके पापों को भस्म करने में, आपके जीवन को सुधारने में और भक्ति में आगे आने में। आप भक्त बन सकते हैं, क्योंकि मन में जब भाव अगर आने लगा कि हमें लहसुन प्याज छोड़ना है भगवान के लिए, तो ये भाव ही तो भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान मतलब बाहर की चीज़ें नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये देखते हैं कि आपके अंदर भाव क्या है। मन में इच्छा, दृढ़ इच्छा है कि हमें नहीं खाना है, लेकिन अब क्या करूँ, गृहस्थी में हूँ भगवान, भगवान से प्रार्थना करके जो है आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और मैंने बताया हुआ है कि अगर जैसे सफ़र वगैरह में जाना है तो कैसे आप जो है उस भोजन को प्रसाद बना करके खा सकते हैं। लहसुन प्याज डला हुआ है फिर भी आप उसको प्रसाद बना करके खा सकते हैं, तो उस उपाय का वीडियो मैंने जैसे दिया हुआ है कि कैसे आसानी से छोड़ा जा सकता है, तो उस पर देख लीजिएगा। और एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देती रहती हूँ, आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। और फिर भी अगर कोई प्रश्न है पूजा पाठ धन रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, कमेंट्स पे गौर किया करती हूँ और वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश किया करती हूँ। तो लिखिएगा अपने इष्ट देव का नाम इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।